हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन इंग्लिश कैपिटल कर्सिव यू एंड कैपिटल कर्सिव वी। ओके, एंड बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू मैनर्स एंड एटिकेट। ओके, मैनर्स एंड एटिकेट। तो आपको पता ही है मैनर्स मीन्स? हम कहीं पे भी जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, घर में भी रहते हैं, तो वो अच्छे से रहना है, उसको हम गुड मैनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड मैनर्स। तो हमें अच्छी आदत होनी चाहिए, अच्छा हमें सब बिहेव करना चाहिए, राइट? और अच्छी अच्छी हैबिट्स भी होनी चाहिए हमारी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वैसे एवरी मंथ हम थोड़ी थोड़ी मैनर्स सीखते हैं ना, तो इस मंथ आपके प्लानर में भी दी हुई है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, रेडी? सो लिसन केयरफुली एवरीवन। ड्रेस अप क्लीनली। ड्रेस अप मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं वो कैसे होने चाहिए? नीट एंड क्लीन। कैसे होने चाहिए? एकदम क्लीन होने चाहिए। जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो कैसे होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, राइट? अगर आप खेलने जाते हो और गंदे हो जाते हैं तो इट्स ओके, वो तो गंदे होते हैं, पर घर पे आके आपको हैंड वॉश, लेग वॉश, फेस वॉश सब करके दूसरे अच्छे क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, राइट? उससे क्या होता है, हम बीमार नहीं पड़ते, राइट? तो उसके अंदर जर्म्स आ जाते हैं ना, खेलने जाते हैं गंदे हो जाते हैं तो जर्म्स आ जाते हैं, है ना? तो वो हमें चेंज कर देने चाहिए। ओके, डन? स्कूल में भी आते हो तो स्कूल पे से घर पे जाते हो तो कपड़े चेंज कर लेते हो ना, क्योंकि स्कूल में खेलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, टमी टाइम करते हैं तो गंदे हो जाते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सबके साथ टच करते हैं, राइट? तो वो कपड़े हमें घर जाके चेंज करने चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? नेक्स्ट, गो टू स्कूल रेगुलरली। अरे अभी तो स्कूल बंद है ना, बट जब भी स्कूल ओपन हो तो स्कूल पे छुट्टी लेनी नहीं चाहिए। गो टू स्कूल रेगुलरली। आपको रेगुलर स्कूल में जाना चाहिए। आपको पता है कहीं कहीं स्कूल में तो कैसा होता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं ना, तो लास्ट जो होता है डे ईयर का, उस दिन ट्रॉफी मिलती है। उनको स्टेज पे बुलाते हैं और उनको ट्रॉफी देते हैं कि इन्होंने एक भी छुट्टी पूरी साल में नहीं ली है। तो इट्स अ गुड थिंग ना, आपको भी स्कूल पे छुट्टी ऐसे ही नहीं लेनी है। ओके, इमरजेंसी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज गो टू स्कूल रेगुलरली। नेक्स्ट, बी अटेंटिव इन द क्लास। वो तो सब बच्चे करते हैं ना, टीचर जो भी कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, एक्सप्लेन कोई कुछ करते हैं, तो यू शुड अटेंटिव। आपको अटेंटिव रहना है क्लास में, ध्यान देना है। ओके, फिर ऐसा ना हो घर पे जाके मम्मा ने पूछा स्कूल में क्या कराया, तो आप भूल ही जाओ, पता ही नहीं हो कि टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया, राइट? ओके, सो नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन इवेंट इन द स्कूल। स्कूल में कुछ इवेंट हो, जैसे हमारे स्कूल में कंपटीशन होती है, राइट? फिर एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, पिकनिक होता है। मिस कर रहे हो ना सब? कर रहे हो? यस? ओके, तो अभी स्कूल चालू होगा ना, तो फर्स्ट डे से ये सब चालू हो जाएगा, तो आपको फिर से मजा आएगा, है ना? तो ये सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। उससे क्या होता है, आप में जो नए नए जो आप में हुनर है वो बाहर आते हैं कि नहीं ये इसकी स्पीच अच्छी है, इसकी एक्टिंग अच्छी है, राइट? और आपको नॉलेज भी मिलता है। अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो तो अलग अलग वो जो कंपटीशन होती है उसके रिलेटेड आपको नॉलेज भी मिलता है ना, राइट ना? तो यू शुड पार्टिसिपेट इन ऑल इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन। ओके, डन? ओके, नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट कर्सिव यू एंड हाउ टू राइट कर्सिव वी। बिफोर दैट, इन दिस बुक यू हैव टू राइट पेज नंबर
ये बीच वाले दो पेज अभी नहीं करने हैं, टीचर आपको बाद में देंगे. ओके अंडरस्टैंड. ओके नाउ लुक एट हियर. यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूनिकॉर्न, यू फॉर यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म भी होता है ना, हम स्कूल में पहनते हैं वो, है ना. ओके तो यू से अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न. ओके तो इसका हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करना है. यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूनिकॉर्न. यू का साउंड क्या निकलता है, अ भी निकलता है और यू भी निकलता है. ओके जैसे अम्ब्रेला में अ निकलता है, यूनिकॉर्न में यू निकलता है, राइट. यूनिफॉर्म में भी यू निकलता है. ओके तो यू साउंड्स अ एंड यू, इजी ना. ओके तो लिखे यू हैव टू राइट यू इन दिस फर्स्ट थ्री लाइन. ओके यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूनिकॉर्न, यू फॉर यूनिफॉर्म. तो दिस इज द कैपिटल कर्सिव यू. ओके वेरी इजी. ओके यू फॉर अम्ब्रेला आपको भी बोल बोल के लिखना है, ठीक है ना. ओके नाउ वी, वी फॉर वैन, वी फॉर वायोलिन. तो वी का साउंड निकलता है व. वी साउंड्स व, वी साउंड्स व. वी तो बहुत इजी है, जैसे हम स्मॉल वी लिखते थे वैसे ही लिखना है, पर ये फर्स्ट थ्री लाइन में लिखना है. ओके यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके वी, वी फॉर वायोलिन, वी फॉर वल्चर, वी फॉर वैन. ओके चलो तो लिखते हैं फोर लाइन में. वी फॉर वायोलिन, वी फॉर वैन, वी फॉर वल्चर. डन. सेम है ना, जैसे आप लिखते हो ये ब्लू लाइन में लिखते हो ना स्मॉल कर्सिव, वही है, सिर्फ ये हमें थ्री लाइन में लिखना है. और अभी सबका लाइन कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए, ये एबीसीडी अभी कंप्लीट होने वाली है ना. वी फॉर वायोलिन, वी फॉर वैन. और जिसके पिक्स नहीं आते वो मुझे रेगुलरली पिक्स सेंड करना, है ना. गुड बॉय है ना, गुड गर्ल, तो मुझे पिक्स सेंड करना. ओके बाय.